कर दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल की इस आंसर राइटिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में हमने दो आंसर्स डिस्कस किए हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों पर टिप्पणी करिए। तो इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों पर चर्चा कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उलटबासियाँ क्या होती हैं। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उलटबासियों का मतलब होता है कि एक ऐसी पंक्ति होगी जो देखने में, पढ़ने के बाद हमें वो उल्टी प्रतीत होगी, मगर उसका अर्थ कुछ और होता होगा। कैसे ये चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कबीर वाला, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं और इस आंसर के माध्यम से भी वो बात आपको सामने क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। तो कबीर हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मस कागद छुयो नहीं कहने वाले कबीर का काव्य साहित्य कबीर को उच्च कोटि का रचनाकार घोषित करता है। ये इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी इंट्रोडक्शन दे सकते थे कि आप उलटबासियों की चर्चा करते हुए इंट्रोडक्शन देते, वो ज़्यादा बेहतर होता कि आप बताते कि उलटबासियाँ क्या हैं और वहाँ से शुरू करते, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा इधर उधर भागने की आपके पास स्कोप ही नहीं है भागने का। नेक्स्ट, कबीर का कृतित्व किसी सिद्धांतानुरूप न होकर दैनिक जीवन के अनुभवों से प्रेरित नजर आता है, इसका जीता जागता प्रमाण है कबीर की उलटबासियाँ। यहीं से अगर शुरुआत करते उत्तर की तो और बढ़िया होता। उसके बाद उन्होंने बताया कि कबीर का प्रारंभिक जीवन नाथ संप्रदाय के प्रभाव में गुजरा, जिसके कारण बिंब प्रतीक आदि के सहारे कविवर बिहारी की भांति गूढ़ तथा अन्यार्थक प्रसंग कहने में कबीर भी प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए, एक अच्छा उत्तर में, आपने पहले भी आपको बताया है मैंने कि उसमें तुलना और विश्लेषण अगर है आपके उत्तर में और जो बातें आप कह रहे हैं उसको आप प्रूफ कर पा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, तो वो उत्तर हमेशा बढ़िया उत्तर होता है। इन्होंने यहाँ पर कबीर की तुलना बिहारी के काव्य से की है कि बिहारी के काव्य में जहाँ कहीं कहीं अन्यार्थक हो जाते हैं, मतलब अन्य अर्थ निकलते हैं, गूढ़ होते हैं, तो उस तरह की बात यहाँ पर कबीर में भी इन्होंने बताई है। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने कि देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई, धरती उलट आकाशे जाए, च्यूटी के मुख हस्ती समाए। बताइए उल्टी बात है कि नहीं है ये? बिल्कुल उल्टी बात है कि धरती उलट आकाशे जाए, धरती कैसे आकाश जाएगी। दूसरी बात, च्यूटी के मुख हस्ती समाए, मतलब चींटी के मुंह में हाथी आ जा रही है। ये क्या है, वास्तव में ये सही नहीं है, मगर इसका अन्यार्थक जो है, जो इसका अर्थ है, वास्तविक अर्थ, वो अलग है। खैर, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं जो कबीर पर बनाया था। इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि कबीर की उलटबासियाँ बड़े अचंभे की रही हैं और इनको समझने के लिए उसके अर्थ तथा प्रयोजन को गहराई से समझना आवश्यक है। बैठा पंडित पढ़े कुरान, बिन देखे का करत बखान, कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परवान। कबीर की उलटबासियाँ रहस्यों तथा अध्यात्म को समेटे हुए हैं, स्थूल दृष्टि से देखने पर उनमें तत्व दर्शन संभव नहीं हो पाता। होता ही यही मतलब है उलटबासियों का, उलटबासियों का सूक्ष्म अवलोकन करने पर ही उसके गूढ़ अर्थ तक पहुंचा जा सकता है, ये बात इन्होंने बता दी। उसके बाद, एक कुआं पंच पनिहारी, एक लेज भरैनो नारी, फट गया कुआं बिनस गई बाटी, बारी माने बाल्टी, बिलग गई पांचों पनिहारी। ये क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया, मतलब क्या है कि जो पंच तत्व से शरीर बना हुआ है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। एक ही कुआं मतलब एक ही मनुष्य का शरीर है, उसमें पांच चीज़ें हैं। खैर, ये मैं इसका अर्थ बता नहीं रहा हूँ अभी, अर्थ के लिए तो आप देख सकते हैं, मगर इस आंसर को कैसे लिखना है ये इन्होंने बताया। हालांकि कबीर की उलटबासियाँ जो हैं वो कबीर की आलोचना का भी कारण बनी है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कबीर अपनी विविध रचनाओं की भांति अपनी उलटबासियों में भी व्यक्ति के अंतर्मन को शुद्ध करने की सीख देते हैं। पंचमेल खिचड़ी भाषा से कबीर की उलटबासियाँ कबीर को उच्च कोटि का रचनाकार सिद्ध करती हैं, ये इन्होंने लिखा। मगर अगर आप इसको अच्छा आंसर बनाना और चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वाली लाइन को आप काट दीजिए। इस लाइन को आप काट कर क्या करेंगे, आप अब ये भी बताइए कि क्या कबीर की उलटबासियाँ अच्छी ही हैं, क्या कबीर की उलटबासियों से कोई नुकसान नहीं हुआ कबीर के कृतित्व को, क्या कबीर की रचनाओं की संप्रेषणीयता में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं उलटबासियाँ, तो करती हैं, तो आप क्या लिखेंगे, तो ये कमेंट देखिए। ऐसा संभव है कि कबीर ने उलटबासियों का प्रयोग तत्कालीन पंडों विद्वानों को खिजाने के लिए किया हो। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो इनका विरोध होता था, जो पंडित समाज था उस समय का, तो कबीर ने उनको अपनी विद्वता दिखाने के लिए लिखा कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, गूढ़ दर्शन और अन्यार्थ हो जिसका, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो शायद उनको चिढ़ाने के लिए ही कबीर ने इसकी रचना की हो, लेकिन
चाहे रचना का उद्देश्य कबीर का कुछ भी रहा हो, कहीं ना कहीं आम पाठक के लिए ये अटपटी प्रतीत होती हैं। आम पाठक के संप्रेषणीयता में उलटबांसियाँ जो कबीर की हैं वो एक हद तक बाधा भी उत्पन्न करती हैं। तो हमें जब टिप्पणी लिखनी है तो हमें केवल अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखनी हैं, बल्कि उस चीज़ में जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, जिस पर हम लिख रहे हैं, उसके दोनों ही पक्षों को सामने रख देना है बड़ी ईमानदारी के साथ और उदाहरण के साथ, तभी आपका उत्तर कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ कि इस आंसर के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि इस तरह के प्रश्न में कैसे लिखना है। सपोज़ करिए कि आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि कबीर की नारी विषयक दृष्टि की समीक्षा करें, तो क्या कबीर की अच्छाई ही लिखेंगे आप? क्या कबीर ने नारी के बारे में जो और बातें कही हैं वो आप नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो इसी तरह से एक अच्छा उत्तर लिखा जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के या किसी कृति के बारे में केवल अच्छा लिखना ही उत्तर नहीं है, बल्कि दोनों ही पक्षों को समाहित करना, और उसको एक बैलेंस्ड आंसर तभी हम कहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9169041691। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके UPSC 2023-24 के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को भी पहुँचाएँ और इस वीडियो को भी। बहुत बहुत धन्यवाद।